जिस लड़की को किसी लड़के ने छुआ तक नहीं, वो बन गई जुड़वा बच्चों की माँ। क्या? कल ही शादी हुई और आज प्रेग्नेंट, वो भी 4 महीनों से। आप होश में तो हैं? ये सच है मिस्टर गुलेरिया, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। शी इज प्रेग्नेंट। मनाली के बिजनेसमैन गौतम गुलेरिया को हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जो बताया, उसे सुन उसके होश उड़ गए थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटी अनिका शादी के महज 24 घंटे के अंदर 4 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं पापा। और आज तक कभी किसी लड़के ने मुझे टच नहीं किया है। डॉक्टर की ये बात सुनकर 18 साल की अनिका के होश उड़ गए थे। ये समझ पाना नामुमकिन था कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। उसकी शादी को अब तक 24 घंटे भी नहीं हुए थे और ना ही उसे आज तक किसी भी लड़के ने उस तरीके से छुआ था। जितनी हैरानी अनिका को थी, उससे कई गुना ज्यादा हैरानी अनिका के पापा गौतम को हुई थी। डॉक्टर, आप वापस से टेस्ट कीजिए, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अनिका, रिपोर्ट्स बताती हैं कि तुम 4 मंथ्स प्रेग्नेंट हो। आई नो सिचुएशन बहुत ही स्ट्रेसफुल है, लेकिन इससे पहले आप लोग कोई भी डिसीजन ले, लेट मी टेल यू, अबॉर्शन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। 4 मंथ्स की प्रेगनेंसी के बाद वी कांट थिंक ऑफ अबॉर्शन, इट्स वेरी डेंजरस। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? इसका जवाब डॉक्टर नहीं, तुम दोगी। पापा, ये नहीं है पॉसिबल। यू हैव टू ट्रस्ट मी। अक्सर कार की बैक सीट पर बैठना पसंद करने वाले गौतम आज ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठे थे। मानो अपनी नाराजगी जताते हुए इस मुश्किल वक्त में भी गौतम ने अनिका को अकेला छोड़ दिया था। अनिका जानती थी कि एक बेटी होने के नाते उसने अपने पिता को दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया था, एक बिन ब्याही माँ बनकर। शायद इतना दुख उन्हें अनिका की माँ के गुजरने पर भी नहीं हुआ होगा, लेकिन ये सब जानते हुए भी अनिका शर्म और कमजोरी के मारे अपनी हालत पर बस रो ही सकती थी। मुश्किल से एक मौका मिला था हमें अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का। डोगरा खानदान के इकलौते वारिस कुरार डोगरा से तुम्हारी शादी हुई है। Do you even know कितने पावरफुल हैं वो लोग? मनाली का सबसे पावरफुल खानदान है द डोगराज। हमारी सारी प्रॉब्लम्स, सारे कोर्ट केसेस, सारे कर्जों से निकाला था उन्होंने हमें, और तुमने हमें 24 घंटे के अंदर अंदर ही फिर से बर्बाद कर दिया। उन्हें तुम्हारी इस प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा तो पता भी है क्या होगा? कम से कम अपनी छोटी बहन कामनी के बारे में तो सोचा होता। मनीषा को मैं सब कैसे बताऊंगा कि उसकी बेटी की शादी उसकी सौतेली बेटी की वजह से नहीं हो पाएगी? मुझे इन दोनों को इस झमेले से दूर रखना होगा, लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तुम्हारा पेट सारी सच्चाई दिखाई देगा ना। पापा, मैंने नहीं। कुणाल शादी के 1 घंटे बाद चला गया था। अब तुम्हारी इस 4 महीने की प्रेगनेंसी के बारे में तुम्हारी ससुराल वालों को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। काश, काश तू भी अपनी मां के साथ ही। पापा, मैं जानती हूं आपके लिए शादी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से तो मैंने भी हाँ कर दी थी, पर मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। प्लीज ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता।
मैं भी उतनी शॉक्ड हूँ जितने आप हैं। मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज प्लीज पापा। गौतम ने घर के हर कोने कोने में लगे सीसीटीवी के पिछले 5 महीने की फुटेज को खंगाला और बारीकी से देखने के बाद वो हैरान रह गया था कि पिछले 5 महीनों से छोटी मोटी बीमारी के चलते अनिका ने घर के बाहर कदम ही नहीं रखा था। ये देखकर गौतम का गुस्सा हैरानी में बदल गया। उससे इतना तो समझ आ गया था कि कहीं तो कुछ गड़बड़ी थी। अनिका की देखभाल करने के लिए जल्द ही घर में एक नर्स रखी गई। अनिका की तबीयत में अब सुधार आ रहा था, साथ ही साथ अनिका को ये बात रोमांचित कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्हा सा जीव सांस ले रहा था। अनिका की उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन उसके अंदर की माँ जल्दी ही जन्म लेने को उत्सुक थी। उसकी जिंदगी में आखिरकार वो आने वाला था जो सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। देखते ही देखते 4 महीने बीत गए। How dare you, अनिका? मुझे तो ये शादी करनी भी नहीं थी। किस हेल में फंसा दिया मुझे? शादी करते ही मैंने यह शहर छोड़ दिया था। In the very next day मुझे पता चलता कि तुम्हारे पेट में बच्चा है। Whose child it is? Who's this bastard? Tell me. पापा घर में नहीं है, तुम बाद में आना। कुणाल? पापा। कुणाल, अरे तुमने बताया नहीं तुम्हारी वेकेशन शुरू हो गई है? हाँ, 4 महीने बाद आया हूँ, वो भी ये तमाशा देखने। वाह, क्या स्वागत किया है अपने दामाद, बहुत बढ़िया। बैठ के बात करते। देखो कुणाल, अगर तुम ये शादी तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ। वैनो, कुछ नहीं समझ सकते आप, ना मेरे परिवार वाले। एक तो जबरदस्ती मेरी इस मोटी से शादी करवा दी और अब चाहते हो कि नाजायज औरत को मैं ही अपना नाम दूं? हाँ, एक तो इसकी शक्ल देखता हूं ना तो मुझे ऐसा लगता कि मुझे ऐसे गुनाहों की सजा मिल रही है जो कि मैंने कभी किए भी नहीं। हाँ, शादी का मंडप इसलिए छोड़ के भागा था क्योंकि तुम मुझे ना एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं हो। और कुछ करना बाकी रह गया है? हाँ, इस नाजायज औलाद को पेट में लेके मेरे साथ शादी के साथ फेरे लिए और अब मेरे सामने ऐसे खड़ी जैसे कुछ किया ही ना हो। क्या समझती हो? क्या लग, इसे कुणाल डोगरा का नाम मिल जाएगा? मैं शादी को वैलिड नहीं मानती। अब क्या कुणाल, वो क्या है, अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, यू नो, इसलिए बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रही है। और रही बात बच्चे की, तो उसके पैदा होते ही हम उसे अनिका से अलग कर देंगे। I promise. कुणाल,
अनिका, क्या अनिका बच पाएगी? क्या उसके बच्चे को उससे दूर कर दिया जाएगा? ये तो अगला एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले, जिसका जवाब आपको मिलेगा उसी फुल एपिसोड में। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइन्स। तो सुनिए एक लड़की को देखा तो सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। डाउनलोड नाउ।